बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, वो भी बहुत दानेदार। और आपको हमेशा शिकायत रहती है ना कि बेसन के लड्डू दानेदार नहीं बनते, तो आज मैं उसका बताऊंगी कि बेसन के लड्डू दानेदार कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये देसी घी और इसे गर्म कर लेती हूँ मैं, जिससे कि ये थोड़ा सा जमा हुआ है ना तो पिघल जाए। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मैंने लिया है 1 किलो बेसन, और घी मैंने लिया है लगभग 1/2 किलो से कम, 400 ग्राम के करीब घी है। ये डाल देती हूँ पूरा बेसन इसके अंदर। दानेदार बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी सूजी, ये छोटी सी कटोरी है, मतलब ऐसे 50 ग्राम के करीब सूजी होगी, ये डाल देती हूँ। इसके साथ ही अच्छे से भुन जाएगी और इसमें एक अच्छा सा कलर आए बेसन के लड्डू में। उसके लिए मैं डाल रही इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। वैसे तो लोग कलर डालते हैं पर मैं कलर कभी यूज नहीं करती, किसी भी चीज़ में बहुत कम यूज़ करती हूँ। हल्दी क्या है, एक तो इसके साथ ही भुन जाएगी और दूसरा हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, पीले पीले लड्डू बन के तैयार होते हैं और इसमें बिल्कुल कच्चापन भी नहीं रहेगा क्योंकि हम इसके साथ ही इसे भून देंगे। और दूसरी चीज़ बेसन के लड्डू में एक चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि इसकी फ्लेम हमें लो फ्लेम पर ही बेसन भूनना है। अगर आप इसकी आँच तेज कर देंगे ना तो क्या है, हमारा बेसन ऊपर से तो भून जाएगा पर जो उसका एक सौंधापन खुशबू रहती है ना बेसन के लड्डू में, वो भी नहीं आएगी। और दूसरा बेसन के जो लड्डू हैं वो हमारे मुंह में ना चिपके चिपके से रहेंगे, तो इसलिए सभी भी बेसन के लड्डू बनाएं हमेशा जो है लो फ्लेम पे ही इसका बेसन भूनें। अभी आपको लग रहा होगा ये बेसन मेरा गाढ़ा है और इसे भूनने में, जैसे जैसे ये बेसन भूनता जाएगा उतना ही पतला होता चला जाएगा। तो इसकी नाप, मतलब जैसे हमने 1 किलो बेसन लिया है तो उसके लिए हमें लगभग 400 ग्राम घी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर भून लेती हूँ। ये देखिए अब हमारा थोड़ा सा बेसन भून गया है और ये देखिए धीरे धीरे पतला होने लगा है। तो इसी तरह से हम जितना भूनेंगे ना उतना हमारा बेसन भूनने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू में थोड़ा सा टाइट रहता है, अब ये देखिए इस तरह से पतला हो गया है। इसे भूनने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर अगर आप हल्की आंच पर भूनेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसी तरह से इसे लो फ्लेम पे भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और वैसे तो मुझे पता चल रहा है क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितने दानेदार बेसन तैयार हुआ है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच सफ़ेद इलायची पाउडर, इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। और अब इसे दानेदार बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें एक चीज़ जिससे कि बेसन बहुत दानेदार बनेगा। इसमें मैं लूंगी लगभग 4 से 5 चम्मच पानी और इसे ना इस तरह से मिक्स करते हुए डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या है हमारा जो बेसन है ना वो बहुत दानेदार और चलाते रहेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 चम्मच पानी ही हमें इसमें ऐड करना है। उससे हमारे जो बेसन के लड्डू है ना बहुत दानेदार बन के तैयार होते हैं। और अब हम इसे इतना ठंडा करना है जिससे कि हम इसे अच्छे से बांध पाएँ। तो अब हम इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, जितना मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो घी थोड़ा सा जमने लगता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे मेरा 1 किलो बेसन है तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 किलो के करीब बूरा, बूरा मतलब पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पिसी चीनी भी पीस सकते हैं। मैं अभी पहले इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी, 1/2 किलो बूरा के करीब, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। और दूसरा मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मैंने इसमें सब बूरा डाल दिया जितनी थी, तो मैंने 1 किलो इसमें बेसन में 1/4 किलो के करीब बूरा डाली है। अब इसे हम इस कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें भी घी लगा हुआ है ना, तो इसी में मिक्स कर लेंगे। और दूसरा हल्की हल्की कढ़ाई हमारी गर्म भी है तो बनाने में आसानी रहेगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसके लड्डू साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं जितना इतना बड़ा बड़ा लड्डू बनाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार होगा, ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए इसी तरह से मैं सब लड्डू बना लेती हूँ। हमारे बेसन लड्डू बनके तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपको से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।